इसीलिए उन्होंने पूरे राजस्थान में मंदिरों का विकास करवाया था। उसी कड़ी में जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर में भी उन्होंने 24 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवा के एंट्री प्लाजा बनवाया था, ताकि यात्री आकर पुष्कर में कुछ समय के लिए ठहराव कर सके, उसको समय थोड़ा आनंद से व्यतीत हो सके। तो 24 करोड़ रुपए की लागत से जो एंट्री प्लाजा बनाया था, कांग्रेस की सरकार आते ही उस कार्य को उन्होंने लोकार्पण होने के बावजूद भी आज आम जनता के लिए आज दिनांक क्यों नहीं खोला है। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर का नवनिर्मित एंट्री प्लाजा उद्घाटन के बावजूद 3 साल से पड़ा है बंद। 24 करोड़ की लागत से बने भव्य एंट्री प्लाजा पर कांग्रेस भाजपा की सिक रही हैं राजनीतिक रोटियां। पूरे विश्व के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र जगत पिता ब्रह्मा मंदिर का नवनिर्मित एंट्री प्लाजा उद्घाटन के बावजूद बीते 3 सालों से धूल फांक रहा है। 24 करोड़ की लागत से बने प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले इस एंट्री प्लाजा को लेकर अब पुष्कर विधानसभा में सियासत तेज होने लगी है। एक ओर जहां भाजपा कांग्रेस पर सियासत का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस इस निर्माण कार्य में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पलटवार कर रही है। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा सरकार के दौरान 6 अक्टूबर 2018 को वसुंधरा राजे द्वारा इस भव्य एंट्री प्लाजा का लोकार्पण किया गया था, जिसके बाद से ही सियासी खींचतान और कानूनी दांवपेच के चलते यह भव्य एंट्री प्लाजा देश भर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोला नहीं जा सका। वर्ष 2019 और 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुष्कर यात्रा के दौरान खुद पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए विकास कार्यों पर सियासत करने का आरोप लगाया था और इस एंट्री प्लाजा को नहीं खोले जाने पर नाराजगी भी जताई थी। बहरहाल पुष्कर के भाजपा मंडल महामंत्री अरुण वैष्णव ने सूबे की गहलोत सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाते हुए कहा कि इस विकास कार्य में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, ऐसे में राजनीतिक भेदभाव किए बिना इस भव्य एंट्री प्लाजा को आमजन के लिए जल्द से जल्द खोल देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का पुष्कर से बहुत लगाव रहा है और वो धर्म और आस्था पे पूरा विश्वास करती है। इसीलिए उन्होंने पूरे राजस्थान में मंदिरों का विकास करवाया था। उसी कड़ी में जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर में भी उन्होंने 24 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवा के एंट्री प्लाजा बनवाया था, ताकि यात्री आकर पुष्कर में कुछ समय के लिए ठहराव कर सके, उसको समय थोड़ा आनंद से व्यतीत हो सके। तो 24 करोड़ रुपए की लागत से जो एंट्री प्लाजा बनाया था, कांग्रेस की सरकार आते ही उस कार्य को उन्होंने लोकार्पण होने के बावजूद भी आज आम जनता के लिए आज दिनांक क्यों नहीं खोला है, क्योंकि करोड़ों रुपये राज्य सरकार के लगे हुए हैं, केंद्र सरकार के लगे हुए हैं, वो वेस्ट जा रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आप उस जनता के लिए इसको खोलें, ताकि आम जनता को उसका फायदा मिल सके। हम कांग्रेस सरकार से मांग करते हैं कि आप जनता की भावनाओं का ध्यान रखें और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के इस एंट्री प्लाजा को खोलें, ताकि आम तीर्थयात्रियों को, आम जन को उसका लाभ मिल सके, करोड़ों रुपए का जो यूज पैसा लगा उसका यूज हो सके, उपयोग हो सके। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की यही भावना थी कि आम जन और तीर्थयात्रियों को उसकी सुविधा मिले, लाभ मिले। तो हम मांग करते हैं कि 3 साल बाद 4 साल बाद भी अभी तक कांग्रेस सरकार को सद्बुद्धि नहीं आई कि राजनीतिक दुर्भावना से उस कार्य को उनको बंद कर रखा है, नीचे के कर्मचारी ऊपर के दबाव में उसको आज तक खोल नहीं पाए, उसकी देखभाल सार संभाल नहीं हो पा रही है, इससे करोड़ों रुपए जनता के वेस्ट हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एंट्री प्लाजा के निर्माण में पुरातत्व विभाग द्वारा उल्लेखित नियमों की पालना नहीं करने पर इस निर्माण को हटाने के आदेश भी दिए जा चुके हैं, जिसकी पालना तत्कालीन जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा को करवानी थी, जो आज तक संभव नहीं हो सकी। इस निर्माण को लेकर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और PCC उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में कांग्रेस के पूर्व 3 पालिका अध्यक्षों ने 2 वर्ष पहले निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए इसकी जांच के लिए लिखित ज्ञापन भी सौंपा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश कुड़िया और सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने निर्माण में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पुनः इसकी जांच की मांग उठाई है। जो एंट्री प्लाजा की बात है, आज से 2 साल पूर्व हमने नसीम अख्तर जी पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री के नेतृत्व में 3 पालिका अध्यक्ष पुष्कर ने ज्ञापन दिया था, जिसके अंदर मंजू कुड़िया और दामोदर जी शर्मा और जनार्दन सिंह शर्मा ने इस एंट्री प्लाजा को लेकर हमने कल जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ इसकी जांच कर और जो दोषी कर्मचारी है, जो दोषी अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। आज देखिए गौशाला का निर्माण का इन्होंने इसमें एंट्री प्लाजा में गौशाला का निर्माण नहीं हुआ। आज देख रही जो निर्माण होना चाहिए उसकी परमिशन ली नहीं गई न इसका पास कराया गया। आज जो बड़ी है अपने पुरातत्व विभाग जो संस्था है सरकार की, उससे
न तो इन्होंने अवगत कराया, न उनसे परमिशन ली। आज उन्होंने आके निशन करने तोड़ने के आदेश दे दिए। तो इन्होंने जो भी काम एंटी प्लाजा किया, ये श्रद्धालुओं के लिए, ये पर्यटकों के लिए, विदेशी के लिए, आम जनता के लिए बड़ा घोटाला किया। और इसकी मैं तो अभी पुनः मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और पुरातत्व विभाग से कि इसकी घोटाले की जो घोटाला है इसकी जाँच की जाए सख्त, और दोषी जो अधिकारी है, दोषी कर्मचारी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आदेश जी, इस पे नक्शा लगा हुआ था पूरा एंट्री प्लाजा, आज उसको हटा दिया गया है। गौशाला के गौशाला नाम ही जो गौशाला का जो पूरा भारत में मुद्दा लेके चलते हैं, गौ माता का नामो निशान खत्म है। आज हमारी गाय पुष्कर करके दौड़ रही है, इसके अंदर एंट्री प्लाजा के अंदर जबरदस्त घोटाला हुआ है और इसकी जाँच की जाए। जो एंट्री प्लाजा अक्षरधाम का मॉडल यहाँ तैयार किया जाना था माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के द्वारा नींव लगा के, उसको भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने अपने अवशेष पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 की नियम 38 उपनियम 2 के तहत उसको गैरकानूनी अवैध निर्माण मानते हुए उसको तोड़ने के आदेश पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार को दे दिए हैं पिछली 5 फरवरी 2019 को। और इस संबंध में पुष्कर नगरपालिका के 3 भूतपूर्व पालिका अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने जिला कलेक्टर से इस सारे अवैध निर्माण की और इस निर्माण में जो घपला हुआ है उसकी जाँच के लिए मांग पत्र दिया है, जिसपे श्रीमान कलेक्टर साहब ने 4 लोगों की कमेटी बनाकर उसकी जांच करवाई जा रही है। और जो 24 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 12-13 करोड़ में ही समाप्त कर दिया गया और गुणवत्ता विहीन सारे कार्य हुए हैं। और जो नीव जो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने लगाई, उस नीव कार्यक्रम में ही लगभग 50-70 लाख रुपए का खर्चा करके और जनता की गाड़ी कमाई और टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया गया है। और जो समाधियां तोड़ी गई है उसका कोई अता पता नहीं है कि कैसे धार्मिक स्थल को नष्ट करके और एक लोकरंजन का अड्डा, वहां जो एक अच्छा बगीचा और पर्यावरण को, पर्यावरण से जुड़ा बगीचा था, उसको उजाड़ के वहां एक पत्थरों का जंगल बना दिया गया जो आज किसी के कोई काम नहीं आ रहा है, बंद पड़ा है। और ये पैसे का सरासर दुरुपयोग है, 12-13 करोड़ रुपए का इसमें भारी घपला हुआ है, इसकी जांच माननीय जिला कलेक्टर द्वारा करवाई जा रही है। और ये मैटर राजस्थान उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है और आगामी सुनवाई इसमें 30/4/2019 को इसमें आगामी सुनवाई अपेक्षित है माननीय उच्च न्यायालय में। इस जांच में इतना समय क्यों लग रहा है, जब मामला पूरा क्लियर है तो जांच में इतना समय क्यों लग रहा है? ये तो माननीय जिला कलेक्टर और राज्य सरकार और प्रशासन ही बता सकता है कि जो कमेटी जिसको ये जांच सौंपी गई है उसने किस स्तर पे अभी तक इसकी जांच वो लोग कर पाए, वो तो जवाब माननीय जिला कलेक्टर और राज्य सरकार ही दे सकती है। पर लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, इसको पुरातत्व विभाग ने अवैध और गैरकानूनी मानते हुए और इस सारे कार्य निर्माण को तोड़ने के आदेश माननीय जिला कलेक्टर को भी दे दिए और पर्यटन विभाग के डायरेक्टर को भी पिछली 5/2/19 को दे दिए लिखित में। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा और कांग्रेस की खींचतान सियासत का एक पहलू हो सकता है, पर पुरातत्व विभाग के नियमों के उपरांत निर्माण करना और निर्माण होने के बाद भी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को यूं ही धूल फांकना दोनों राजनीतिक दलों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर इस निर्माण में जो पैसा खर्च किया गया है वह जनता के टैक्स का पैसा है, जिसे यूं ही बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।